ओह, आपको क्या लगता है आपकी शादी किसी प्रिंस के साथ हुई है? बहुत सारी नाइटमेयर स्टोरीज तो आपने सुनी होंगी, बट नो वे, योर मदर इन लॉ इज नॉट गोइंग टू ट्रीट इन दैट वे। आपको किसी राजकुमारी की तरह ट्रीट करने वाली नहीं है इसको। अब इस चीज़ को दूसरी तरह से समझते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते मैडम, और कई बार मदर इन लॉ सामने बोलती रहती हैं कुछ भी उल्टा सीधा, उनके सामने ही बोलती रहती है, लेकिन वो कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करते या हमारी तरफ नहीं बोलते, हमारी तरफ से स्टैंड नहीं लेते। और ये चीज़ आपको अगर डिस्टर्ब करती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और इसको स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी, इसको पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको 4 पॉइंट्स ऐसे बताने वाली हूँ जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग अ वुमेन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। अगर आपका पति आपको सपोर्ट नहीं कर पाता, अगर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता अपनी टॉक्सिक फैमिली से, और आपकी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का स्टैंड नहीं ले पाता, तो ये वो आदमी नहीं है कि जिसके बारे में आपने सोचा था। आप क्या कर सकती हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए कोशिश करना भी बंद कर दीजिए। मैं आपको 4 पॉइंट्स, 4 स्टेप्स ऐसे बताती हूँ जिसकी वजह से यू कैन ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो ड्रामा क्रिएट करती हैं, डोंट बी ए पार्ट ऑफ इट, डोंट गेट सक बाय, क्योंकि उनका काम है आपको डिस्टर्ब करना, और वो सब ड्रामा करके अगर आपको वो डिस्टर्ब कर देती है ना, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। बी लाइक अ बॉस। कई बार सुन देखा होगा ऑफिस के अंदर बॉसेस होते हैं, बात सुन लेते हैं किसी की, लेकिन हर एक किसी पर रिएक्ट नहीं करते वो, क्योंकि उनको अपने अंदर उनके एक जो एक कैपेबिलिटी होती है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी जो ये होती है कि रिएक्ट नहीं करना। हाथी देखना, देखा है आपने कैसे सीधा चलता जाता है, चाहे उसके आसपास कितने भी लोग, कितने भी कुत्ते भौंक रहे हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो बी लाइक अ बॉस, आपको बिल्कुल उस तरीके से बनना चाहिए, बिल्कुल भी डोंट जस्ट लाइक, आपकी मेंटल पीस किसी भी वजह से नहीं जानी चाहिए। तो अपने आप को इस तरह से ढाल लीजिए, जब पता है कि आसपास का माहौल ऐसा है तो बनाना पड़ेगा अपने आप को उस तरह का। हमें बात सेकेंड जो पॉइंट आता है, आप अपनी मदर इन लॉ से किसी भी तरह की अपोलॉजी की, किसी भी तरह की माफ़ी की कोई भी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि इस तरह के लोग जो भी कुछ करते हैं वो जानबूझ के करते हैं। माफ़ी केवल उन गलतियों की होती है जो कि अनजाने में की हो जाती है आदमी से, गलती जो कई कई बार ऐसा होता है अनचाहे हो जाती है, नहीं करना चाहते लेकिन हो जाती है। जो चीज़ें जानबूझ के की गई उसकी कैसे माफ़ी होगी सोची, बट फॉरगिव हर एनी वे, उनको माफ़ कर दीजिए। ये मैं अब इसलिए कहती हूँ, उनके लिए नहीं कहती हूँ ये चीज़, ये मैं खुद आपकी मेंटल पीस के लिए कर कहती हूँ, कि आपकी खुद की मानसिक शांति के लिए, कि आपके खुद की मानसिक शांति नहीं जानी चाहिए, उसके लिए उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए और उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। माफ़ करना ज़रूरी इसलिए भी है ताकि उनकी जो टॉक्सिक एनर्जी है वो आपकी लाइफ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोसों दूर रहे। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 3, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। चाहे वो किसी भी तरह से आप अपने में क्या चेंज कर सकती है अपने नेचर के अंदर, डोंट अलाउ लाइक अपने आप को ये ऐसी किसी के हाथ में रिमोट मत दीजिए अपनी खुशियों का। नेवर अलाउ टू ट्रीट यू पुअरली अगेन, कि आपको किसी तरह से कोई भी पुअरली ट्रीट करे, आपके साथ गंदा बिहेवियर करे और आप चुपचाप सुनती रहें, ऐसा मत करिए। अपना आपका आत्मविश्वास इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि किसी की भी आपसे कुछ भी गलत बात करने की जल्दी से हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर कोई करता है तो उसको टैकल करने के लिए उसे 100 बार सोचना पड़े कि मैंने इसको ऐसा क्यों बोल दिया। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4, माई डियर फ्रेंड्स, दैट इज सेव योर एनर्जी टू लव योर हस्बैंड, टू लव योर किड्स, टू गिव टाइम एंड अ ड्यू अटेंशन टू देम। उनको अपना वक्त दीजिए, एक अच्छा वक्त देने के लिए, क्योंकि अगर आप उनकी बातों से, मदर इन लॉ से अगर बाय द वे अफेक्टेड रहेंगी, सारा दिन उनसे परेशान रहेंगी, तो ये एक दिन की बात तो है नहीं, आपकी पूरी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है इससे। आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़ है अपने नेचर में चेंज करना है। बोल रही है बोलने दीजिए, मत ध्यान दीजिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कब तक बोलती रहेंगी, फिर उनको नेचर पता चल जाएगा, इंडिफरेंट एटीट्यूड है, ध्यान ही नहीं देती है, तो हम फालतू बोलते हैं अपना टाइम और एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं। तो अपने आप ही थोड़े दिन से देख करके उनके उनको अपने आप खुद अपने अंदर मतलब शर्म आने लग जाएगी कि मैं क्यों उसको बोल रही हूँ, ये मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, शी इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। आपकी कोई भी अच्छी क्वालिटीज़ की तारीफ, हेलो माई डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉट अबाउट द ब्यूटी, मैं बात कर रही हूँ पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की। आप किस तरह आगे बढ़ सकती हैं, क्या कर सकती हैं लाइफ के अंदर, और आगे पढ़ाई कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, कुछ अच्छा अपना खुद का कुछ काम कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को वो बढ़ने नहीं देंगी। अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं फ्रेंड्स, तो उसका सिंपल वे आउट यही है
कि जस्ट स्टॉप केयरिंग स्टॉप केयरिंग स्टॉप केयरिंग, भूल जाइए बिल्कुल भी। अब जो मेन लास्ट पॉइंट ये कि आपको ये चीज़ फोकस करनी है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप खुद, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपकी मेंटल पीस, आपकी सुख शांति इम्पोर्टेंट है, या फिर इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब होकर के आप अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करके रोज़ परेशान होती रहेंगी। तो सिंपल सा वे आउट यही बनता है माय डियर फ्रेंड्स कि छोड़ दीजिए इस चीज़ को, क्योंकि देखिए आपको आपके हस्बैंड ने चूज़ किया है और अब आप उनका परिवार हैं, यू आर हिज फैमिली नाउ। सो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे हटा करके इन सब चीज़ों से ध्यान हटा करके केवल अपने परिवार पर, अपनी मेंटल पीस पर और अपनी पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पर कि आप क्या कर सकती हैं, उसी चीज़ के ऊपर फोकस करिए। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, और प्लीज़ शेयर करिएगा नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा ये चीज़।